22 लाख रुपयों की ठगी करने वाले दो साइबर अपराधी गिरफ्तार। 8.90 लाख रुपए की राशि बरामद की गई। साइबर अपराधियों से 83 बैंक ATM, 23 चेकबुक, 8 पासबुक भी बरामद किए गए। साइबर संबंधी घटना घटने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें ताकि आपके पैसे को बचाया जा सके। पंचकुला पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकुला हिमाद्री कौशिक के नेतृत्व में ASP मनप्रीत सिंह सूदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि साइबर थाना प्रभारी राकेश कुमार के नेतृत्व में उसकी टीम सदस्य मुकेश कुमार व सुनील कुमार ने 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें एक अमित कुमार खरखोदा जबकि दूसरा टीलूराम भिवानी के रूप में हुई है। ASP मनप्रीत सिंह ने बताया कि साइबर हेल्पलाइन कंप्लेंट पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस शिकायत में पीड़ित व्यक्ति जो कि हरियाणा डेयरी विभाग से रिटायर्ड है, उसके पास एक अनजान व्यक्ति ने कॉल करके कहा था कि मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ और वह उसको उसके खाते में 4,50,000 रुपये भेज रहा है और वह 3 लाख रुपये उसकी जानकारी किसी आकाश कुमार के खाते में ट्रांसफ़र कर देना, जिसका खाता नंबर वह भेजा जा रहा है, और 1 लाख रुपये अपने पास रख लेना। उसके बाद फिर साइबर अपराधी ने कॉल करके कहा कि उसका दोस्त USA में रहता है, उसकी माता का इलाज दिल्ली में चल रहा है, इसके लिए उसको 7 लाख रुपये जमा करवाने हैं। तभी पीड़ित ने 2.25 लाख रुपए और 2.50 लाख रुपए उसके द्वारा बताए गए खाते में जमा करवा दिए। फिर उसने कहा कि आपके दोस्त अरोड़ा की वीज़ा में दिक्कत आ गई है, जिससे कुछ पैसे जमा करवाने हैं। इसके बाद पीड़ित ने फिर 2.70 लाख रुपए, 1.30 लाख रुपए उसके द्वारा बताए गए खाते में पैसे जमा करवा दिए। ऐसे करते करते पीड़ित से साइबर अपराधियों ने करीब 22 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दे दिया, जिसके बाद पीड़ित ने साइबर पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 40 420 120 बी के तहत थाना साइबर में मामला दर्ज किया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 8,90,000 रुपये की राशि बरामद की गई है, जबकि 23 चेकबुक, 8 बैंक पासबुक, 83 ATM कार्ड बरामद किए गए। इसके अलावा आरोपी अमित कुमार से एक फर्जी पुलिस का आई कार्ड भी बरामद किया गया, जिस कार्ड पर उसने अपनी फोटो लगाई हुई थी। इसके अलावा बताया कि दोनों साइबर अपराधी जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, जिनमें से एक व्यक्ति अमित को अपना CSC सेंटर भी है और फोटोशॉप में गलत कार्य को अंजाम देते हैं। इसके अलावा पंचकुला पुलिस और भी अन्य जानकारी जुटाने में जुटी हुई है, पुलिस जांच पड़ताल जारी है। एक कंप्लेनेंट थे राजेंद्र कुमार जी, वो बेसिकली एक हरियाणा डायरी पंचकुला से रिटायर्ड है। तो उनके पास एक कॉल आता है किसी एक अननोन नंबर से, और उसमें वो उनको जो कॉलर है वो बोलता है कि ऐसे ऐसे मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता हूँ। तो वो उनको कहता है कि आप अपना व्हाट्सएप चेक करें, और व्हाट्सएप पे एक व्हाट्सएन यूनियन मनी करके एक मैसेज आता है उनके पास, जिसमें वो 4.5 लाख रुपये उनको दिखाई देते हैं। तो उसमें वो उनको कहता है कि आप इसमें से 3 लाख एक अकाउंट में जमा करवा दें, बाकी 1 लाख आप अपने अकाउंट में रख लें और 50,000 वहाँ पर रहने दें। तो वो लालच में आके ये कर देते हैं, उनको लगता है कि ऐसे ऐसे है। और बाद में उनको फिर वो दोबारा कॉलर कॉल करता है, और कॉल करके उनको कहता है कि ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त USA में रहता है, जिसकी वाइफ बीमार है, तो उसको उसके लिए इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो आप कृपया करके इसमें रिक्वेस्ट करता कि आप इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दें, मैं आपके पैसे आपको बाद में थोड़े और ज़्यादा उससे पे बैक कर दूँगा। तो वो उसकी बातों में आके उसको पैसे देते रहे, 7 लाख, फिर 9 लाख, ऐसे कर करके उनको बाद में जब 22 लाख उनका चला गया, उनको पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, और उन्होंने फिर कंप्लेंट करी है हमें। तो हमें पता चला कि तिलू अराउंड 10 से 15 अकाउंट अमित को बेच चुका है फर्दर 3,000-4,000 में। और इस दौरान हमें जब अमित की डिटेल्स पता चलती है, तो हम अमित को सोनीपत, खरखोदा सोनीपत के पास अमित की हमें कार मिलती है, हमारी एज़ पर दिस के मोबाइल रिकॉर्ड की डिटेल से, वहाँ से हम इसको अरेस्ट करते हैं। और इसकी कार में हमें बकायदा एक बैग मिलता है, जिसमें 8,90,000 पैसे थे, 23 चेकबुक थी, 8 बैंक पासबुक थी, और 83 बैंक ATMs थे।
हाँ जी 83 ATMs थे, और एक इसके पास हरियाणा पुलिस का कार्ड था जिसपे डिटेल्स किसी और की थी बट फोटोग्राफ इसकी थी और मोबाइल नंबर भी इसका था। कांस्टेबल का रैंक था, वो गुड़गांव पुलिस का कार्ड था, तो जो हमें इसके पास से वो चीज़ बरामद होती है। और फर्दर हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि हम इसमें और डिटेल्स में जा रहे हैं जो बाकी अकाउंट्स हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे दोनों जो सुनील और आईओ मुकेश हैं ये बहुत जल्द हम लेयर वन के अकाउंट की हमें जो थोड़ी बहुत डिटेल्स मिली है हम उसमें भी आगे प्रोग्रेस करेंगे। जो टिल्लू है ये भिवानी का रहने वाला है और ये 10+2 पढ़ा हुआ है, और जो अमित है वो सोनीपत का रहने वाला है जिसने ग्रेजुएशन करी है और ये CSC सेंटर भी पहले चलाता था। दोनों कंप्यूटर के जानकार भी है थोड़े बहुत।